हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो है एक आज जो है सब्सक्राइबर का जो था आज मेडिकल था, तो उन्होंने जो है अपना मेडिकल एक्सपीरियंस मेरे साथ अभी शेयर किया है थोड़ी देर पहले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए, कि ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके। मतलब जिन लोगों का कल किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन है या फिर आने वाले 2-3 दिन में मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो उनको जो है एक बार में पता चल सके कि क्या क्या जो है आपके जो है टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेकर जाने हैं, जिनके बिना आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि आगे भी जो भी अपना मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करेगा वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। और कोई भी आपको दिक्कत, परेशानी, कोई डाउट हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन सब्सक्राइबर ने मेरे साथ अपना जो है मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनका नाम है अंकिता, और उनका जो था वो मुंबई डिवीज़न से जो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन था वो उनका हुआ था, और उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन वो आज था। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सबसे पहले उनके जो है डॉक्यूमेंट्स वो चेक हुए, मतलब जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी इंटरव्यू के दौरान, तो वो उनके मेडिकल से पहले उनके डॉक्यूमेंट जो थे वो चेक किए गए कि क्या उनके पास वो डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट उनके कंप्लीट थे, तो फिर उनके बाद उसका फिर उनका मेडिकल शुरू हुआ। अब मेडिकल में क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले उनका हाई, वो बोले कि उनकी हाइट नोट की गई, देन उनका वेट नोट किया गया, देन उनका फिर जो है बीपी नोट किया गया। जैसे मैंने आपको पहली अपनी एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था मेडिकल टेस्ट के बारे में, तो ये नॉर्मल टेस्ट हुआ। देन उसके बाद उनसे जो मैंने आपको बताया था कि एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, एक हेल्थ परफॉर्मा जो है आपका, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मल क्वेश्चन, कि क्या आपको किसी बीमारी से आप पीड़ित तो नहीं है, क्या आप मतलब आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, मतलब ये जनरली नॉर्मल क्वेश्चन हुए। देन उनके बाद उन्होंने बोला कि उनका फिर यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट होने के बाद फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, उनकी एक मतलब फ़ोटो एक क्लिक कर ली गई, और देन उसके बाद उनसे जो आईडी प्रूफ थे वो उनसे मांगे गए, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड, मतलब उसकी एक एक फोटोकॉपी। तो और उसके बाद फिर उन्होंने एक बात के ऊपर मेन पॉइंट मतलब फोकस उन्होंने किया है कि अगर आपने इंटरव्यू के दौरान जो अंडरटेकिंग दी है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाते करेक्ट फॉर्मेट में, तो आपका मेडिकल नहीं होगा, मतलब आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान से इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो है आपने जो भी वहां पर अंडरटेकिंग दी है इंटरव्यू के दौरान, तो आपको वहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लेके जाने हैं। उन्होंने मेन फोकस जो किया वो उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर किया। जैसा कि मैंने अपनी पहली पुरानी वीडियोस में बताया था कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो ही आपका फॉर्मेट लागू होगा, तो उन्होंने यही बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो सेंटर वाला फॉर्मेट है वो उन्होंने वहाँ पर उनसे लिया। और अगर कोई उसको नहीं जमा करवा रहा, मतलब अंडरटेकिंग के जो उन्होंने दिया था नहीं कोई करा रहा, तो उनका मेडिकल नहीं हो रहा है, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि सारे प्रोसेस में उनका जो है मतलब एक घंटे जैसा लगा, एक घंटे में जो है उनका सारा का सारा ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताई कंप्लीट होने के बाद फिर वो वहाँ से फ्री हो गए। देन अब ये भी बात है कि मतलब फिर आप लोगों के मन में ये बात भी आई कि अपॉइंटमेंट लेटर का क्या हुआ। अब अपॉइंटमेंट लेटर का उन्होंने मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट लेटर का उन्होंने बोला है कि आपको 14 तारीख को जो है 14th of July को आपके पास ईमेल आ जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन डेट्स को आपका जो है वो होना है, तो उनके पास भी बोला कि 14 तारीख को आपके पास जो है ईमेल आ जाएगी, उस ईमेल में आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो भी है वो आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो थे मेडिकल एक्सपीरियंस, मैं इतनी लेट रात आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ये जो है वो बेनिफिट हो सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।